नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन पर इस चैनल के सभी लेटेस्ट वीडियोस अपडेट प्राप्त करने के लिए। इंडेक्सिंग, देखो इंडेक्सिंग के अंदर मेनली हम सबसे पहले देखते हैं ए मीन्स ऑफ इंक्रीजिंग डेटाबेस परफॉर्मेंस ऑफ क्वेरीज, है ना। इंडेक्सिंग का मतलब यही है कि डेटाबेस की जो परफॉर्मेंस है उसको इंक्रीज किया जाए, है ना। जैसे हम बुक का एग्जांपल लेते हैं, अगर किसी बुक के अंदर इंडेक्स नहीं लगी हुई हो तो हमें टॉपिक ढूंढने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, बट अगर बुक के साथ इंडेक्स लगी हुई हो तो हम इजीली टॉपिक का पेज नंबर जो है वो पता कर सकते हैं और उस पेज नंबर को फिर डायरेक्टली हम एक्सेस कर सकते हैं, तो उससे जो मेनली एक्सेसिंग स्पीड है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है ना। एक विदाउट इंडेक्स और विद इंडेक्स जो बुक होती है तो उनके एक्सेस टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस जो है वो रहता है। तो इंडेक्सिंग हमेशा क्या करती है, परफॉर्मेंस को इंक्रीज करती है। कॉन्सेप्चुअली सिमिलर टू बुक इंडेक्सिंग, है ना, ये लगभग वैसा ही कॉन्सेप्ट है जैसा कि हम बुक के अंदर एक इंडेक्स जो है यूज करते हैं मेनली पेजेस के पेज नंबर्स के साथ। स्पीड्स ऑफ ऑपरेशन इज इंक्रीज्ड, तो ऑपरेशंस के स्पीड ऑब्वियसली यहाँ पे इंक्रीज होंगे क्योंकि एक्सेसिंग स्पीड बढ़ेगी, एक्सेसिंग टाइम कम होगा तो ऑब्वियसली हमारा ऑपरेशंस का इंक्रीज होना वाजिब है। डेटा रिट्रीवल डन बेटर एंड फास्टर, डेटा रिट्रीवल जो है वो मेनली यहाँ पे स्पीडली हम रिट्रीव कर पाएंगे और बेटर तरीके से हम रिट्रीवल कर पाएंगे, यानी कुल मिला के जो डेटा रिट्रीवल जो डेटा हम एक्सेस करते हैं उसकी ऑल ओवर स्पीड जो है परफॉर्मेंस जो है वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी वाया इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग का यूज करने से। शॉर्टकट फॉर द डेटाबेस टू फाइंड द रिकॉर्ड्स दैट मैच सम सर्च क्राइटेरिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कुछ इंडेक्सिंग हम यूज करते हैं डेटाबेस के अंदर, प्राइमरी इंडेक्सिंग, सेकेंडरी इंडेक्सिंग एंड क्लस्टर्ड इंडेक्सिंग, है ना। ये तीन डिफरेंट डिफरेंट क्लस्टरिंग्स यहाँ पे ये इंडेक्सिंग होती है, कुछ सॉर्टेड डेटा पे अप्लाई होती है, कुछ अनसॉर्टेड डेटा पे अप्लाई होती है, है ना। तो कुछ डिफरेंट डिफरेंट हम इंडेक्सिंग मेथड्स यहाँ पे यूज करते हैं जिनके द्वारा हम इंडेक्सिंग को यूज करके किसी भी डेटा को जल्दी से जल्दी एक्सेस करने की स्ट्रेटेजी तैयार करते हैं, जिससे कि सिस्टम की परफॉर्मेंस जो है वो काफी हद तक इंक्रीज हो जाती है। डेटा इज स्टोर्ड इन बुक्स, एटॉमिक डिस्क ऑपरेशंस टू एक्सेस देम, है ना। मतलब डेटा जो है वो अलग अलग डिस्क के अंदर है, जो ब्लॉक्स के रूप में, मान लो स्टोर्ड इन ब्लॉक्स, ब्लॉक्स के रूप में यहाँ पे है। तो यहाँ अगर हम बात करें डिस्क की, तो मान लो इस टाइप की हमारी डिस्क होती है, प्रत्येक डिस्क के अंदर कुछ सेक्टर्स एंड ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से ट्रैक और सेक्टर्स के अंदर डिस्क जो है वो डिवाइड होती है। डेटा इज स्टोर्ड इन ब्लॉक्स, मेनली ब्लॉक क्या होता है, देखो ऐसी ऐसी मान लो बहुत सारी डिस्क एक दूसरे के ऊपर होती है। मेनली डेटाबेस आपने देखा होगा, डेटाबेस का सिंबल हमेशा इस प्रकार का होता है ना। यहाँ पे बहुत सारी डिस्क जो है वो एक दूसरे के ऊपर अरेंज्ड होती है, ठीक है, इस टाइप से होती है, ठीक है। तो इस टाइप से जो डिस्क का अरेंजमेंट होता है
जैसे मान लो हम बात करें इस वाले एरिया की, ठीक है, तो ये सभी डिस्क का एरिया यहाँ पे पर्टिकुलर एक ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है ना। यहाँ पे सेपरेट सेपरेट ब्लॉक्स जो है वो बन जाते हैं। तो जो भी डेटा है वो हमारा डेटा ब्लॉक्स के अंदर स्टोर होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब एक रीड राइट हेड होता है तो उसको अलग अलग मेनली ट्रैक्स पे ना जाकर या सेक्टर्स पे ना जाकर वो वहां से सारा डेटा जो है वो रीड करते हैं, जो भी रिलेटेड डेटा होता है। एटॉमिक डिस्क ऑपरेशंस टू एक्सेस देन, और जो ऑपरेशंस होते हैं वो मेनली इस डेटा को फिर एक्सेस करते हैं। सर्च प्रॉब्लम, रिकॉर्ड्स कैन बी स्टोर्ड ऑन जस्ट वन फील्ड। ठीक है, फील्ड आप जानते ही हो, फील्ड क्या होता है, एक टपल कह सकते हो आप, या रो कह सकते हो, या फील्ड कह सकते हो, बात एक ही। ठीक है, हम डेटा जो है वो टेबल के फॉर्मेट में स्टोर करते हैं, और टेबल जो है वो रो और कॉलम्स के अंदर डिवाइड होती है। तो ये पर्टिकुलर एक रो जो है उसको आप एक फील्ड कह सकते हो, है ना, ये पर्टिकुलर एक फील्ड हो गया, जिसके अंदर मान लो यहाँ पे स्टूडेंट टेबल है, तो एक फील्ड के अंदर एक स्टूडेंट की पूरी रिलेटेड डिटेल्स है वो स्टोर होती है ना, कंप्लीट डिटेल। रिकॉर्ड्स कैन बी स्टोर्ड ऑन जस्ट ऑन फील्ड इफ द रिकॉर्ड्स आर नॉट स्टोर्ड, ए लीनियर सर्च रिक्वायर्ड एन बाई टू ब्लॉक्स एक्सेस। ठीक है, अगर रिकॉर्ड स्टोर्ड ना हो और उसके लिए हम सर्च कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए अगर हम सर्च कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमें कितने ब्लॉक एक्सेस करने पड़ेंगे? एन बाई टू ब्लॉक एक्सेस करने पड़ेंगे कम से कम। ठीक है, इफ फील्ड्स इज ए नॉन की या नॉट यूनिक, है ना, यानी जो फील्ड हम यूज कर रहे हैं वो अगर यूनिक नहीं है, द एंटायर टेबल स्पेस इज सर्च्ड एट एन ब्लॉक्स एक्सेस। अगर यूनिक नहीं है, रिपीटेड वैल्यूज है, तो वहां पे हमें एन टाइम्स वहां पे उसको सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, इंडेक्सिंग ए वे ऑफ सॉर्टिंग, तो देखो यहाँ पे क्या सॉल्यूशन होगा। इंडेक्सिंग परमिट्स द सॉर्टिंग ऑफ डेटा ऑन मल्टीपल फील्ड्स, यानी मल्टीपल फील्ड्स पे जो डेटा है उनको मेनली इंडेक्सिंग जो है वो सॉर्टिंग करने की परमिशन देती है। तो अगर डेटा सॉर्टिंग ऑर्डर में हो जाएगा तो हमें सर्च करने में भी आसानी रहेगी। ठीक है, वंस ए हायर वैल्यू इज फाउंड द रेस्ट नीड्स नॉट बी सर्च्ड। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे कुछ वैल्यूज हैं, ठीक है, और मैं कोई वैल्यू सर्च कर रहा हूँ, ठीक है, मान लो मैं वैल्यू यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ 5, ठीक है, ये आवाज यहाँ से 1 से लेकर और मान लो ये वैल्यू 10 तक है। ठीक है, तो 5 को अगर मैं सर्च कर रहा हूँ तो मेनली यहाँ पे मैं ये चेक करूंगा, मान लो यहाँ पे 20 तक है डेटा, 1 to 20 तक। अब 5 अगर मैं चेक कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं मिडिल वैल्यू निकालूंगा, तो मिडिल वैल्यू कितनी है? 10 है। तो 5 10 से छोटा है या बड़ा है? 5 छोटा है। तो अब मान लो यहाँ पे 10 है, तो अब यहां से 10 से लेकर 20 तक के जो एलिमेंट है उनको सर्च करने की जरूरत नहीं है, उनको एक्सेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी वैल्यू क्या है, हमारी वैल्यू छोटी है इससे। तो छोटी है तो हमेशा वैल्यू कहाँ मिलेगी? उससे पहले मिलेगी, क्योंकि डेटा हमारा सॉर्टिंग ऑर्डर में। ठीक है, लॉग एन ब्लॉक एक्सेस बाइनरी सर्च, इस टाइप की सर्च को हम बाइनरी सर्च बोलते हैं, है ना। बाइनरी सर्च में मेनली क्या होता है, जो भी लिस्ट होता है
उस लिस्ट को सबसे पहले मिडिल एलिमेंट फाइंड किया जाता है, और उस मिडिल एलिमेंट से कंपेयर किया जाता है कि जो हम वैल्यू सर्च कर रहे हैं वो एक्चुअली इससे छोटी है या बड़ी है। अगर छोटी है तो इस एरिया में सर्च किया जाएगा, और अगर बड़ी है तो दूसरे वाले एरिया में सर्च किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकेंड टाइम मान लो वैल्यू छोटी है तो हम इस एरिया में सर्च करेंगे, फिर से हम इसका मिडिल फाइंड करेंगे। ठीक है, इस लिस्ट का मिडिल फाइंड करेंगे, तो इस लिस्ट का जो मिडिल आएगा मेनली उससे फिर से हम कंपेयर करेंगे, अगर छोटी है तो इधर सर्च करेंगे और बड़ी है तो हम इधर सर्च करेंगे। तो इस टाइप से क्या होता है, बाइनरी सर्च के अंदर हर बार हमारे डेटा जो है वो आधा हो जाता है ना। ये जस्ट वैसा ही है जैसे डिक्शनरी हमारी होती है, जो वर्ड्स वाली डिक्शनरी होती है, तो डिक्शनरी के अंदर जब हमें कोई मीनिंग ढूंढना होता है तो एक्चुअली हम क्या करते हैं, उसको जस्ट ऐसे बीच में से ओपन करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि हमारा मीनिंग इधर है, लेफ्ट साइड है या राइट साइड है। तो अगर लेफ्ट साइड है तो हम राइट साइड का पूरा एरिया छोड़ देते हैं, और लेफ्ट साइड में से जो जो पेजेस है उसमें से हम बीच में से कहीं से भी ओपन करते हैं, फिर हम यही देखते हैं कि हमारा डेटा मीनिंग जो है वो किस साइड बच गया है ना। तो इस ऐसे करके हम 3 या 4 या 5 टर्न के अंदर हमारे एग्जैक्ट मीनिंग तक पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि डिक्शनरी सॉर्टेड ऑर्डर में होती है, और अगर डिक्शनरी के अंदर मीनिंग अनसॉर्टेड ऑर्डर में दिए हो, अल्फाबेटिकली अरेंज ना हो, तो क्या मीनिंग कैसे ढूंढा जाएगा? वन बाय वन, पेज बाय पेज हमें चलना पड़ेगा और एक एक मीनिंग को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। क्रिएटिंग एन इंडेक्स ऑन ए फील्ड इन ए टेबल क्रिएट्स अनदर डेटा स्ट्रक्चर विच कंटेन्स। ठीक है, तो एक इंडेक्स जब क्रिएट की जाती है किसी भी फील्ड के ऊपर, ठीक है, क्रिएटिंग एन इंडेक्स ऑन ए फील्ड इन ए टेबल, ठीक है, किसी भी फील्ड के ऊपर आप यहाँ पे मान लो ये वाला एक फील्ड है, ये वाला दूसरा फील्ड है, ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी कॉलम्स होते हैं किसी भी कॉलम के ऊपर अगर आप मेनली इंडेक्सिंग क्रिएट करते हो, क्रिएट्स अनदर डेटा स्ट्रक्चर विच कंटेन्स, तो हम दूसरा डेटा स्ट्रक्चर कंटेन करते हैं जिसके अंदर वैल्यू ऑफ द फील्ड, उस फील्ड की वैल्यू हो, पॉइंटर टू द कॉरेस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड, प्रत्येक रिकॉर्ड के लिए एक पॉइंटर वैल्यू हो। दिस इंडेक्स स्ट्रक्चर इज देन सॉर्टेड। ठीक है, और वो इंडेक्स स्ट्रक्चर क्या होगा? सॉर्टेड होगा। अलाउ बाइनरी सर्च टू बी परफॉर्म्ड ऑन इट, और बाइनरी सर्च को इसके ऊपर अलाउ किया जाएगा। तो लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च दोनों में यही डिफरेंस है कि लीनियर सर्च जब हम करते हैं तो वन बाय वन एलिमेंट को चेक करते हैं, और बाइनरी सर्च जब हम करते हैं तो हर बार लिस्ट जो है वो आधी रह जाती है। तो ऑब्वियसली बाइनरी सर्च फास्ट होती है, बट बाइनरी सर्च ओनली सॉर्टेड डेटा पे अप्लाई की जा सकती है, इसलिए यहाँ पे हमें डेटा जो है वो सॉर्टेड रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, इंडेक्सिंग के लिए डिसएडवांटेजेस इंडेक्सिंग के देखो क्या है, द इंडेक्स स्ट्रक्चर ऑक्यूपाई डिस्क स्पेस, यानी जो आप जैसे मान लो आपकी बुक है 1000 पेजेस की, ठीक है, तो 1000 पेजेस की अगर बुक है तो उसको इंडेक्स अगर आप करोगे तो उसके लिए आपको कुछ पेजेस और चाहिए। ठीक है, मान लो यहाँ पे 20 पेजेस हमें रिक्वायर्ड है इंडेक्सिंग के लिए। ठीक है, तो ये 20 पेजेस के लिए एक्स्ट्रा मेमोरी का खर्चा यहाँ पे हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक इश्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्यूपाई डिस्क स्पेस जो है वो मेनली इंडेक्सिंग के लिए एक्स्ट्रा चाहिए हमें। करेक्ट सिलेक्शन ऑफ फील्ड्स टू इंडेक्स, फाइल सिस्टम साइज लिमिट्स द नंबर ऑफ इंडेक्सेस टू बी क्रिएटेड। तो यहाँ पे साइज का इश्यू जो है वो मेनली यहाँ पे
डिसएडवांटेज के रूप में हम देख सकते हैं। एग्जाम्पल, 5 MB रिकॉर्ड्स ब्लॉक साइज 1 MB, रिकॉर्ड लेंथ 54 बाइट, ठीक है, नीड ऑफ ऑलमोस्ट 3 लाख ब्लॉक्स, है ना। एक 5 MB रिकॉर्ड जो है और उसके अगर ब्लॉक साइज 1 MB है और रिकॉर्ड लेंथ जो है वो 54 बाइट है, तो यहाँ पे हमें टोटल 3 लाख ब्लॉक्स की रिक्वायरमेंट होगी इस डेटा को स्टोर करवाने के लिए। एप्रोक्स 19 ब्लॉक्स एक्सेस टू फील्ड ए रिकॉर्ड, ठीक है, सिंगल रिकॉर्ड के लिए हमें 19 ब्लॉक यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगे। न्यूमेरिकल कैलकुलेशन होती है बट हम इतने डेप्थ में नहीं जाएंगे। डेप्थ में अगर हम तभी जा सकते हैं जब हम प्राइमरी इंडेक्सिंग, सेकेंडरी इंडेक्सिंग और क्लस्टर इंडेक्सिंग को हम डिस्कस करें वन बाय वन, बट इतना आपके सिलेबस में है नहीं। जस्ट हम परफॉर्मेंस स्टडी कर रहे हैं, परफॉर्मेंस के अंदर इंडेक्सिंग का क्या रोल है केवल हमें बेसिक यहाँ पे आइडिया डिस्कस करना है। इंडेक्सेस हैव टू बी अपडेटेड व्हेन द कॉरेस्पॉन्डिंग डेटा इज चेंज्ड, है ना। मान लो डेटा कुछ आपने इंडेक्सिंग कर रखी है, सॉफ्ट कॉपी आपने बना के, यहाँ पे तो बुक प्रिंटेड तो है नहीं, डेटाबेस के अंदर डेटा आपका पड़ा है, उस डेटा में मान लो आपने कुछ चेंज किया या कुछ डिलीट कर दिया या कुछ नई चीज ऐड कर दी, तो उसकी इंडेक्स को भी हमें अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि इंडेक्स से हमें कैसे पता चलेगा कि कुछ नया यहाँ पे ऐड किया गया है ना, जब तक हम इंडेक्स के अंदर ऐड नहीं करेंगे। फॉर स्टैटिक डेटाबेस वेयर हैवी रिपोर्टिंग इज नीडेड, जो स्टैटिक डेटाबेसेज होते हैं उनके अंदर इस टाइप के चेंजेस परफॉर्म करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मोर इंडेक्सेस आर रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द रीड ओनली क्वेरीज, तो इसके लिए फिर हमें एक्स्ट्रा इंडेक्सिंग जब ऐड करनी पड़ती है, उसमें आप चेंजेस परफॉर्म नहीं कर सकते अगर वो स्टैटिक है तो। फॉर सिस्टम्स विद न्यूमेरियस ट्रांजैक्शंस दैट मॉडिफाई द डेटा, फ्यूअर इंडेक्सेस प्रोवाइड ए हायर डेटा रेट डिलीवर्ड, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बहुत सारे ट्रांजेक्शन की बात करें, न्यूमेरियस ऑफ ट्रांजेक्शन मान लो एक साथ परफॉर्म हो रहे हैं सिस्टम के ऊपर, सिस्टम के साथ, और वो डेटा को मॉडिफाई कर रहे हैं, जितने ट्रांजेक्शन्स मेनली परफॉर्म किए जाएंगे डेटाबेस के अंदर उतने चेंज किए जाएंगे, क्योंकि ट्रांजेक्शन होता ही किस लिए, डेटा को मेनली अपडेट करने के लिए। जैसे मान लो आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में कुछ पैसा ट्रांसफर कर रहे हो, तो एक्चुअली वहां पे अपडेशन ही तो हुआ, पहले अकाउंट से कुछ माइनस किया और उसको अपडेट करेंगे, दूसरे अकाउंट में कुछ ऐड करेंगे और उसको अपडेट करेंगे, तो दैट इज ए अपडेशन। एवरी ट्रांजेक्शन परफॉर्म अपडेशन। तो यहाँ पे कुछ इंडेक्सेस जो होते हैं फीवर इंडेक्सेस प्रोवाइड हायर डेटा रेट डिलीवर्ड, ठीक है, हायर डेटा रेट यहाँ पे प्रोवाइड करवाती है। ह्यूरिस्टिक्स शॉर्ट इंडेक्स लोअर डिस्क वर्क इंटेंसिटी, ठीक है, और कॉलम्स टारगेटेड फॉर इंडेक्सिंग मस्ट हैव हाई सिलेक्टिविटी, ठीक है। यहाँ पे देखो मेनली हम कार्डिनलिटी को यूज कर रहे हैं, कार्डिनलिटी हमने डिस्कस की थी मेनली ईआर मॉडल के साथ, है ना, स्टार्टिंग के अंदर जब हमने डेटाबेस के अंदर ईआर मॉडल, एंटिटीज, रिलेशनशिप, कार्डिनलिटी रेशियो, पार्टिसिपेशन रेशियो, ये सब हमने डिस्कस किया था, है ना। तो कार्डिनलिटी मेनली यहाँ पे क्या होता है, डिग्री ऑफ रिलेशन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कार्डिनलिटी क्या रहेगी, यूनिकनेस ऑफ डेटा इन ए कॉलम, ठीक है, एक कॉलम के अंदर डेटा की यूनिकनेस जो है वो कितनी, उसकी डिग्री क्या है, उसके मेजरमेंट्स क्या है। तो मेनली जो कार्डिनलिटी होगी
उस कार्डिनलिटी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे जो इंडेक्सिंग है वो यहाँ पे डिफाइन करने वाले हैं। स्मॉल परसेंटेज ऑफ डुप्लीकेटेड वैल्यूज जो है उनका परसेंटेज रेशियो जो है वो बहुत कम हो जाएगा, है ना। डुप्लीकेटेड वैल्यू यहाँ पे बहुत कम होगी। कवरिंग क्वेरीज, क्वेरीज को कवर किया जाएगा कंपोजिट इंडेक्स के द्वारा, ठीक है, यूजिंग मोर देन वन कॉलम्स, ठीक है। कंपोजिट का मतलब यही है, आप जैसे कंपोजिट एट्रीब्यूट आप यूज करते हो ना, जैसे आपने यूज किया नेम, ठीक है, तो नेम एक कंपोजिट एट्रीब्यूट है क्योंकि ये मल्टी वेलवेट डिपेंडेंसीज को यहाँ पे एट्रीब्यूट्स को ड्राइव करती है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ठीक है, इस टाइप से। केयरफुल एनालिसिस, बेंचमार्किंग एंड टेस्टिंग, तो यहाँ पे रिक्वायर्ड जो है वो एनालिसिस केयरफुली होनी चाहिए, बेंचमार्किंग डिसाइड होने चाहिए कि इंडेक्सिंग जो है वो इस लेवल तक करनी है हमें, ठीक है, एंड टेस्टिंग यहाँ पे परफॉर्म की जानी चाहिए कि हमारी इंडेक्सिंग जो है प्रॉपरली वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। तो ये हमारे एग्जाम्पल ओरेकल की हम बात कर रहे थे। देखो ओरेकल को यहाँ पे किस प्रकार से हम ट्यून करते हैं और परफॉर्मेंस उसकी हम कैलकुलेट करते हैं। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑप्टिमाइजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ओरेकल सॉफ्टवेयर, यानी परफॉर्मेंस के लिए मेनली कौन जिम्मेदार होता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है, उसी को मैनेज करना होता है, वही जानता है कि हम कैसे सिस्टम को मैनेज करें ताकि जो मेनली जो परफॉर्मेंस है वो बेटर से बेटर यहाँ पे अचीव की जा सके। ऑल्सो एप्लीकेशन डेवलपर्स भी यहाँ पे जिम्मेदार होते हैं और हार्डवेयर एक्सपर्ट भी यहाँ पे जिम्मेदार होते हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के अलावा, ठीक है। 30% ऑफ SDLC डेडिकेटेड टू परफॉर्मेंस इश्यूज। SDLC मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, यानी जो मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हम डेवलप करते हैं, तो मेनली कोई भी सॉफ्टवेयर हम डेवलप करते हैं तो एक पर्टिकुलर एक प्लानिंग और सभी के सभी डिजाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग, मेंटेनेंस, सभी के सभी फेजेज जो है फॉलो किए जाते हैं और उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सॉफ्टवेयर पूरा डेवलपमेंट होने में जो जो स्टेप्स होते हैं वो सभी इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। तो 30% जो है वो मेनली परफॉर्मेंस के अंदर किसका रोल होता है, SDLC का होता है, यानी जो सॉफ्टवेयर जब डेवलप हुआ तब उसके अंदर क्या क्या चीजें यूज की गई, किस टाइप से उसको डेवलप किया गया। कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग, यहाँ पे कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग जो है वो रिक्वायर्ड होती है, कंटिन्यू हमें सिस्टम की मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग प्रोडक्ट, थर्ड पार्टी मतलब जो मेनली जिसने हमसे मान लो सॉफ्टवेयर किसने बनाया, ठीक है, किसी कस्टमर ने हमसे सॉफ्टवेयर बनवाया, अब उसने उस सॉफ्टवेयर को मेनली यूज कर रहा है और साथ साथ में उस पर किसी भी एक्सपर्ट के द्वारा निगरानी रखने को बोल रहा है कि आप मेरे सिस्टम को चेक करते रहा करो कि ये एक्यूरेटली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इंस्टॉलेशन रूल्स देखो क्या होते हैं यहाँ पे, रीडमी फाइल अप टू डेट इन्फो, ठीक है, इनफ डिस्क स्पेस अप फ्रंट। इंस्टॉलेशन से पहले हमें देखना होता है कि स्पेस हमारे पास इनफ है कि नहीं, अवेलेबल है कि नहीं। एलोकेट एन एक्स्ट्रा ऑफ 20% फॉर द इंस्टॉलेशन प्रोसेस, ठीक है, यहाँ पे हम 20% एक्स्ट्रा स्पेस एलोकेट करेंगे क्योंकि ऑपरेशंस भी तो इंस्टॉलेशन से रिलेटेड वहाँ पे प्रोसेस जो है परफॉर्म किए जाएंगे। रिक्वायरमेंट्स आर लोअर देन दैट इज ऑप्टिमल। OS
लेवल प्रिविलेजेस है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल के जो प्रिविलेजेस होते हैं, अधिकार होते हैं, वो यहाँ पे अप्लाई किया जाता है। डीबीए ओवरले रिच इन प्रिविलेजेस, ठीक है, और ओरेकल मस्ट ओवर इट्स डायरेक्ट स्ट्रक्चर, यानी डीबीए के पास अधिकार होते हैं इनको अप्लाई करने के, है ना, और डीबीए के पास सारे के सारे प्रिविलेजेस अवेलेबल होते हैं। इसके साथ साथ जो ओरेकल आप यूज करते हो उसके पास भी यहाँ पे मेनली इनसे रिलेटेड अपना डिक्शनरी स्ट्रक्चर होता है। शेयर्ड पूल साइज सेट टू ट्वाइस द सजेस्टेड डिफॉल्ट फाइल स्ट्रक्चर, इंस्टॉलेशन रूल सेकंड के अंदर हम स्टडी कर रहे हैं कि अलग से हम इंस्टॉलेशन के लिए मेमोरी प्रोवाइड करवाएं, उससे अच्छा हम वहां पे शेयर ही कर लें, है ना। शेयर्ड पूल साइज हम यहाँ पे डबल सेट करते हैं, हमेशा जितने रिक्वायर्ड होते हैं उसके डबल सेट ट्वाइस द सजेस्ट डिफॉल्ट, डिफॉल्ट जितनी सजेस्ट की जाती है उसकी दो गुनी लेते हैं। फाइल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, देखो रिकमेंडेड नोट टू मर्ज मल्टीपल फिजिकल ड्राइव्स, मल्टीपल जो फिजिकल ड्राइव्स होते हैं जैसे हार्ड डिस्क के अंदर अलग अलग ड्राइव्स होते हैं, तो उनको हम यहाँ पे मर्ज नहीं करेंगे, ठीक है, किसी एक सिंगल के अंदर हम इनको मर्ज ना करें। एलोकेट एन एंटायर डिवाइस टू होल्ड ओरेकल डेटा फाइल्स, ठीक है, एक यहाँ पे हम एलोकेट करते हैं डिवाइस जो कि मेनली ओरेकल के डेटा फाइल्स को होल्ड करके रखे, यानी नो पार्टिशनिंग, यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे ओरेकल की फाइल। एक बार वन डायरेक्टरी पॉइंट शुड पॉइंट टू वन फिजिकल डिवाइस, तो कोई भी जो डायरेक्टरी पॉइंट होगा वो मेनली किसको पॉइंट करेगा, फिजिकल डिवाइस को पॉइंट करेगा जिस फिजिकल डिवाइस पे वो इंस्टॉल होना है। लेआउट लार्ज टेबल स्पेस इनटू स्मॉल मैनेजेबल सेक्शन, तो वहां पे मेनली उस फिजिकल ड्राइव के अंदर उसको एक पर्टिकुलर स्पेस जो है स्मॉल स्पेस प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। स्मॉल स्पेस का मतलब जितना उसको मेनली रिक्वायर्ड होगा, लिमिट्स इम्पोज बाय बैकअप डिवाइसेज एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स, है ना, जितनी लिमिट उसके लिए डिसाइड की गई है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा और बैकअप डिवाइसेज के द्वारा। रूल थर्ड, डीबी क्रिएशन इश्यूज, डेटाबेस जो यहाँ पे इश्यूज जो है वो क्रिएट करती है किस किस टाइप के, देखो मैक्स डेटा फाइल्स सेट एज हाईली एज द ओएस परमिट्स, है ना, मैक्सिमम फाइल्स को यहाँ पे ओएस की परमिट्स परमिशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट किया जाता है। एंड रेडो लॉग्स मस्ट बी मिरर्ड एज दे आर ए सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, ठीक है, मिरर्ड क्यों किया जाता है, बैकअप के लिए, क्योंकि ये मेनली फेलियर्स अकर करती है इसलिए हम इनको वापस बैकअप कर सके। मिनिमल टेबल स्पेस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, और मिनिमम टेबल स्पेस का मतलब उसको जितना मेनली लिमिट डिसाइड की होती है उतना हम यहाँ पे स्पेस प्रोवाइड करवाते हैं। और स्पेस की भी अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे सिस्टम रोल बैक टेम्प टूल्स यूजर्स इन सभी के लिए यहाँ पे स्पेस रिक्वायर्ड होता है। कंट्रोल फाइल्स के लिए भी हमें यहाँ पे मेनली स्पेस जो है वो डिस्क ड्राइव के अंदर रिक्वायर्ड होता है। मेमोरी की अगर हम बात करें तो देखो मेमोरी यहाँ पे रिक्वायर्ड होगी मेनली ऑपरेशंस के लिए भी, इंस्टॉलेशंस के लिए भी और डेटा के लिए भी, ठीक है। हिट्स वर्सेस मिसेज, है ना, अगर एक्सेस कर पाते हैं तो हिट्स, एक्सेस नहीं कर पाते तो मिसेज, डेटाबेस बफर कैश, है ना, ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जो सेकेंडरी मेमोरी जहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होता है और यूजर के बीच में एक मेमोरी होती है जो होती है कैश मेमोरी, और यहाँ पे जो रिलेटेड डेटा वो फेच किया जाता है। अगर जो डेटा आप एक्सेस करना चाह रहे हो अगर वो कैश मेमोरी में अवेलेबल हो रहा है तो हिट, अदरवाइज मिस।
बैकग्राउंड प्रोसेसेस टू सपोर्ट डेटाबेस एक्टिविटीज। यहाँ पे बैकग्राउंड प्रोसेसेस को हम यूज करते हैं ताकि वो डेटाबेस एक्टिविटीज को सपोर्ट करे। ये यहाँ पे कुछ दे रखे हैं, प्रोसेस रिकवरी, इंस्टेंस रिकवरी, राइट इन्फो फ्रॉम बफर टू डेटाबेस, इन्फो फ्रॉम रेडो लॉग बफर टू ऑनलाइन रेडो लॉग्स। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे ये डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड प्रोसेसेस यहाँ पे दिए गए हैं। ट्रेस फाइल्स इन्फो अबाउट द यूजर सिस्टम, यूजर सिस्टम के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड करवाता रहे। हेलो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बने रहें आपके अपने चैनल पॉसिबल नॉलेज के साथ इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए। धन्यवाद।